ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्षादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दौलत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे जन्मदिवस पर तो बधाई दी है और तमाम पत्रकार बंधुओं ने हिमाचल से, उज्ज्वल हिमाचल से, दिव्य हिमाचल से, हिमाचल ट्रिब्यून से, RB7 से, सभी मेरे मित्र बंधुओं को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बाकी जो 14 और 15 अप्रैल का जो दिन थे, ये आपने कहा कि बहुत बधाई आपको मिल रही थी जन्मदिन की, तो मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो मैं पूरे देश में पिछले 8-10 साल से लगातार काम करते हुए जो देशवासियों ने मुझ पर एक भरोसा और जो प्यार जताया है, मैं सभी को, मेरे भाई बहन और मेरे मित्र बंधुओं को, सभी को मैं प्रणाम कहते हुए जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है उसको मैं लगातार आगे जारी रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि ऐसा आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे। तो सबका धन्यवाद देता हूं। केसेस आज बढ़ रहे हैं बजाय कि लॉकडाउन है। आपको पता है कि कुछ केसेस तो तबलीगी जमात की वजह से जैसे बढ़े हैं सारे पूरे ऑल इंडिया में, तो वो तो चेन है ही, 15 दिन के बाद केसेस कुछ ऊपर आते हैं तो ये चेन बढ़ती जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए समय लगता है और चेन काफ़ी बढ़ती है। एक तो वो केस रहा है, दूसरे कुछ छिपे केसेस मैं देखा हूँ हिमाचल में या और भी कई अन्य जगहों में, ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि जिनके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम कर रहे हैं, बड़े ताजुब की बात है कि कम से कम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल कोई किसी इस तरह के रोग से संक्रमित है तो वो पहले तो सबसे पहले उन्हीं को इसका इंडिविजुअल का ध्यान रखना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। दूसरा, अगर माना नहीं रख पा रहे हैं कोई कारणवश से, तो अथॉरिटीज़ को, जहाँ कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें और एक जिम्मेदार सिटीजन के फर्ज निभाते हुए वो पूरा उसका काम करें। पूरा देश लॉकडाउन में है, सभी लगे हुए हैं, तो ये बड़ी अवहेलना का काम कर रहे हैं लोग कुछ, तो उनको उसके लिए थोड़ा सा मापदंड दिया जाए, उनको सही तरीके से उसको समझा जाए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको समझाया जाए, इसके ऊपर कड़ा अंकुश लगाया जाए। बाकी आपने कहा कि ऐसे चेन में जो लॉकडाउन है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है, जैसे आप मीडिया में काम कर रहे हैं कि उनको सब्जी लेना या कुछ हेल्थ सामान सामग्री या कुछ रिपेयर करवाना, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आती है बैठे बैठे, तो मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन में हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करेंगे, क्योंकि अपने आप को बचाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, कम से कम कनेक्शन रखेंगे, तभी ये इसका पालन हो सकेगा, क्योंकि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, सभी को पता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इस जो सामग्री है, सामग्री को पहुंचाने के लिए कुछ, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ वॉलंटियर्स की टीम बनाई जाए, या कुछ जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ते हैं तो सभी पार्टियाँ अपनी अपनी टीम बनाती हैं, एक बूथ 10 यूथ, इस प्रकार के सारे नारे लगाकर वो वैसा काम करते हैं हम लोग सभी, तो सभी को मिलकर मैं समझता हूँ ऐसे समय में, विकट समय में ये साथ आ जाना चाहिए। और जहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि सेंटर क्या कर रहा, स्टेट क्या कर रहा, तुम क्या कर रहे हो बैठकर इंडिविजुअल, अगर तुम इलेक्शन लड़ रहे होते या सपोर्ट कर रहे होते या अपना काम कर रहे होते, कुछ ना कुछ करते, तो ऐसा एक सोशल ग्रुप फॉर्म करके उसको प्रॉपर तरीके से उसको लेकर उसको ऊपर एडमिन तक पहुँचाकर वहाँ से अथोराइज्ड होकर इसको वॉलंटियरली सेवाएँ भी देनी चाहिए, ताकि आपके इर्द गिर्द में 5-7 किलोमीटर में कोई आदमी भूखा नहीं सोए, कोई मजदूर किसी तरह से प्रताड़ित नहीं हो, कोई किसी प्रकार से किराए वाला या कोई कैसा व्यक्ति रह रहा, तो उसकी सपोर्ट में इमीडिएटली एक हेल्प मिले, ताकि उसको कोई किसी प्रकार से प्रताड़ना नहीं मिले। एक तो ये है। तीसरा, अभी सेंट्रल ने काफ़ी पैकेज भी अनाउंस किया है स्टेट्स को, मैं समझता हूँ, तो वो भी तरीके से वर्कआउट हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में लोग मिसयूज़ करते हैं फ़ंड को, तो कोई फ़ंड मिसयूज़ नहीं हो, मैं ये ऐसा प्रार्थना करता हूँ सभी से कि जो फंड मिले, तो ये फंड इस बारी मानवता के लिए मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति का ये प्रकोप आप देख रहे हैं सभी, और ईमानदारी का एक समय है अपने आप को सुधरने का, अपनी ईमानदारी को
सुधारने का, अपने आप को सुधारने का, और आगे जो समय है आपको प्रकृति के अनुसार चलना होगा। अपनी अकल तो हम अपनी इस्तेमाल करते करते आज एक छोटे से वायरस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, फिर भी लिमिटेशन में रहकर काम करेंगे, ऐसा मैं मैसेज देना चाहूँगा। और बाकी आपने जैसे ये अभी मैं सबसे बड़ा एक और देख रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो इतना पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास है, और इस समय कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी आगे आकर किसी हॉस्पिटल या किसी प्रकार की चैरिटी, या कम से कम मैं इतना ही कहता हूँ भैया, आपने आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है जिसके थ्रू आप पूरा साल भर कमाते हो, कम से कम उनको तो कवर डालो, सैनिटाइजेशन का सामान दो, उनको किट दो, उनको कम से कम कुछ तो खर्च करो उनके ऊपर। अगर सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां पूरे देश की अगर मेडिकल हेल्थ वर्कर को संभाल ले, तो कम से कम देश का बोझ तो हल्का हो। अभी रतन टाटा जी को देखो आपने, 1500 करोड़ देश के लिए, और ये भी कहा कि अगर अगर समय ऐसा आया कि मुझे अपनी सारी संपत्ति भी देना पड़े तो मैं देश के लिए दे सकता हूँ। इससे बड़ा दानवीर, इससे बड़ा कर्मवीर, इसके बड़ा धर्मवीर कौन है आज के समय में, बताइए मुझे। तो जब ऐसे ऐसे दानवीर हैं, और ये जो कंपनी वाले फार्मास्यूटिकल वाले, कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी की आप मदद करिए, कम से कम जिनके जरिए आप कमा रहे हो उसके जरिए पूरे हॉस्पिटलों को कवर डाल दो, पूरे हेल्थ वर्कर को कवर डाल दो, और नया से नया बढ़िया से बढ़िया किट प्रोवाइड करो। ये आपके समय आपके पास आपातकाल में एक ऐसा समय है कि जहाँ आप अपने ही घर वालों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल स्टाफ रहेगा सही सुरक्षित रहेंगे तो आपकी भाई कंपनियों में प्रोडक्ट लिखेंगे, आपकी कंपनी उन्हीं के कारण बिकेगा माल। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां आगे नहीं आ रही अभी तक मैं देख रहा हूं। तो कल से फार्मास्यूटिकल कंपनियों को आप प्लीज़ एक संदेश पहुंचाइए मेरे जरिए सभी को कि कल से मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल सभी हॉस्पिटलों में इमीडिएटली कवर डालें।